हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टैक नेविगेशन के अंदर बटन्स कंपोनेंट्स वगैरह को किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ। आपको ध्यान होगा लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने स्टैक नेविगेशन के हेडर को डिजाइन करा था, ठीक है, थोड़ा कलर बैकग्राउंड वगैरह हम लोगों ने चेंज करा था। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर आप एक बटन प्लेस करो, इवन नॉट ओनली बटन, आप यहाँ पे कोई कॉम्पोनेंट या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स चेकबॉक्स वगैरह लगाना चाहते हो तो किस तरीके से लगा सकते हो, इस पार्ट में हम लोग उसको ही डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूँ, ये वाली स्क्रीन देखो, यहाँ पे नेविगेशन के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पे विंडोज का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे स्विच बॉक्स बना हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन भी कैसे आ सकते हैं आपको इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, सो क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग नेविगेशन के अंदर बटन ऐड करेंगे। बटन हम लोग लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ऐड करके दिखाऊंगा, बिकॉज दो साइड बटन ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। उसके बाद में हम लोग उनके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, यानी कि आपको कोई फंक्शन कॉल करना है, कुछ मूवमेंट करना है तो वो आप कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट हम लोग कॉम्पोनेंट भी ऐड करके देखेंगे। मान लो कि एक बटन से आपका काम नहीं चल रहा, आप चाहते हो कि यहाँ पे पूरा एक कॉम्पोनेंट दिखे जिसके अंदर कोई API भी कॉल हो रही हो, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी हो रहा हो, कुछ सर्चिंग का कुछ ऑप्शन हो, लिस्ट दिखानी है, सो वो सब कुछ भी हम लोग करके देख लेंगे। इवन अगेन ये भी हम लोग लेफ्ट राइट दोनों साइड करके देखने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन, वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट में भूल जाता हूँ। देखो पहला तो सिंपल क्वेश्चन यही बनता है कि क्या हम लोग कॉम्पोनेंट्स को या फिर कोई भी UI कॉम्पोनेंट को, बटन्स वगैरह को नेविगेशन के अंदर, स्टैक नेविगेशन के अंदर प्लेस कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल येस, हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज, जब भी हम लोग हेडर के अंदर बटन्स या फिर कोई भी UI कॉम्पोनेंट को ऐड करते हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक हम लोग लेफ्ट साइड में प्लेस कर सकते हैं, एक राइट साइड में प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास पूरी ये वाला पूरा एरिया होता है, कहीं भी हम लोग प्लेस कर लें, बस लेफ्ट एंड राइट दो ही एरिया होते हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड के साथ में जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। एक चीज और, लास्ट वाले कोड के अंदर जहां मैंने कोड छोड़ा था ना, वहीं से कंटिन्यू करूंगा लास्ट वाले पार्ट के अंदर, बिकॉज अगर मैं ये वाला सारा कोड दोबारा करने लगा ना तो अगेन बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और लास्ट वाली दो पार्ट देख लेना आप, अगर आप जस्ट डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर जंप कर गए हो तो सब कुछ पता चल जाएगा कि स्टैक नेविगेशन कैसे बनानी होती है, कैसी डिजाइन वगैरह करना होता है। ऑलराइट, सो सिंपल वे में चलते हैं। सबसे पहले लॉगिन वाली स्क्रीन हमारी ये रही, ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन है। इसके अंदर आप चाहते हो कि नॉर्मली इस साइड के अंदर ही बटन ऐड हो, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर ही एक बटन ऐड हो, तो क्या करना है आपको, जो ऑप्शंस वाला जो ऑब्जेक्ट बना रखा है ना उसके अंदर ही जाओ और कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली यहां पे पुट कर दो हेडर टाइटल। सो मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं हेडर टाइटल, ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी कॉम्पोनेंट या फिर बटन वगैरह पास करना चाहते हो वो आराम से कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बट आपको चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आप पास कर सकते हो प्रॉप्स अगर आप चाहो तो। और अब आप यहाँ पे एक बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है, बटन इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, और टाइटल में जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ लेफ्ट, ठीक है, और चाहो तो इसको हटा भी सकते हो प्रॉप्स को, अगर जरूरत हो तो आप पास कर सकते हो, अदरवाइज इसको डायरेक्टली हटा भी सकते हो। कहाँ इसका यूज आएगा मैं आपको भी बता दूंगा कि प्रॉप्स का यूज कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। बट अभी के लिए देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में बटन आ गया, ब्लू कलर इसका आ गया, बिकॉज जब भी हम लोग बटन यूज करें तो बाई डिफॉल्ट उसका अपने आप ये वाला कलर आ जाता है, ठीक है। इवन अगर आप इसको जस्ट नॉर्मल कुछ टेक्स्ट इनपुट वगैरह भी लेते तो भी आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिया मैंने, एंड अगेन इसको मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों ही बंद हो गए यार, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसमें अच्छा कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो या फिर लेफ्ट जो भी आपको लिखना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट भी आ गया, और इसके ऊपर जो भी डिजाइन देना चाहो आप डिजाइन दे सकते हो। सो बाय डिफॉल्ट मैं बटन ही रख रहा हूँ यहाँ पे, राइट, सो वो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे बटन रख लिया। अब आप सेम तरीके से चाहते हो कि राइट साइड में भी कुछ बटन वगैरह ऐड करो, तो जस्ट सिंपली मैं कॉपी नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिख ही देता हूँ। सो इसके अंदर आप सिंपली कर सकते हो यहाँ पे हेडर राइट, ठीक है, एंड अगेन ये भी एक इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन होगा, और इसके अंदर आप अगेन कुछ बटन ऐड करना चाहते हो, कुछ टेक्स्ट इनपुट ऐड करना चाहते हो, सो वो भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं लेट्स से टाइटल राइट, तो लास्ट में लोग इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से,
अच्छा इसकी हमें जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, अदरवाइज आप ये ब्रैकेट्स हटा दो, दोनों में सेम ही बात है, तो आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में बटन दिख गए। अब आप चाहते हो कि इनके ऊपर कोई एक्शन भी परफॉर्म करवाए, कुछ एक्शन भी परफॉर्म हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। सो जस्ट से मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट btn एक्शन करके एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर आप चाहो तो कुछ अलर्ट वगैरह करवा लो, या फिर अभी के लिए मैं जस्ट सिंपली एक कंसोल कर देता हूँ, ठीक है। मैं पे करता हूँ कंसोल डॉट वॉन्ट बटन प्रेस्ड, एंड इसको आप दोनों के ही ऑन प्रेस पे कॉल कर सकते हो, लेफ्ट राइट कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। डायरेक्टली इसको ऐसे ही कॉल कर देता हूँ। सो जैसे मैं अब लेफ्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, आपको एक वार्निंग नीचे शो हो जाएगी, बटन प्रेस्ड आपको दिख गया। एंड सेम आप ये राइट वाले के ऊपर भी क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। एक साइड में बटन रहने देता हूँ, बट एक साइड में चाहता हूँ कि यहाँ पे बटन ना आए, यहाँ पे एक पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट उठ के आए, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सिंपली मैं एक और कॉम्पोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, कॉम्पोनेंट का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ हेडर, ठीक है। ठीक है, हेडर नाम रख लेते हैं, आप चाहो कुछ और भी नाम रख सकते हो, बट ठीक है मैं अभी के लिए हेडर रख देता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न के अंदर आप चाहो तो टेक्स्ट बटन वगैरह जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ btn, ठीक है। और इसका आप लोगों ने अब तक यूज नहीं करा कभी कहीं, तो मैं इसको अब यूज भी कर लेता हूँ, हेडर बटन, और यहाँ पे इस तरीके से हेडर वाला कॉम्पोनेंट मैंने यूज कर लिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, कोमा लगाने के बाद में ऑब्वियसली एंड हेयर वी गो, यहाँ पे बटन आ गया। और इसके अंदर आप कुछ और यूज करना चाहते हो, मान लो आप यहाँ पे चाहते हो टेक्स्ट इनपुट यूज करना, तो आप लिखो यहाँ पे सही में टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर का ऑप्शन होना चाहिए नेम, इसको मैं सेव करता हूँ। तो लेट्स वेट, चेंज नहीं करा इसने, लेट मी रिफ्रेश, कई बार इसको रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। तो ऊपर से इंपोर्ट हुआ ना ये या नहीं हुआ? अच्छा यार ये ऊपर से इंपोर्ट ही नहीं हुआ, ये कुछ अलग ही टेक्स्ट इनपुट आ गया। Let me check, थोड़ा टाइम दे रहे हैं ये, just refreshing and all, yep। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे ए बी सी कुछ एंटर भी कर पा रहा हूँ क्या? हाँ, तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कीबोर्ड ओपन हो गया, मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो ये लिख भी सकता हूँ। सो इवन आप, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आप जो भी कुछ यहाँ पे लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। और यहाँ पे उसके अंदर कुछ, बिकॉज हमने पूरा हेडर यूज कर लिया, कॉम्पोनेंट यूज कर लिया, तो इसमें आप कुछ API कॉल करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर और करके दिखा देता हूँ कि हम लोग इन कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसका तो काम पूरा कर लिया जो हम लोगों ने यहाँ पे कमिट करा था, बट अगेन आप लोग ये चाहोगे कि यार ठीक है ये होम एंड लॉगिन वाली सारी चीजें ना एक ही फाइल के अंदर है, इनको भी हम लोग अलग अलग फाइल के अंदर रख लें। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, अभी के लिए दो न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, कट करूंगा, एंड ये मेरा कॉम्पोनेंट्स है ना, इसके अंदर मैं फाइल बना देता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ मैं लॉगिन डॉट जे एस, ये रखा, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया इसको एक्सपोर्ट, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो होम वाला कॉम्पोनेंट है, इसकी मैं एक और फाइल बनाता हूँ, पेस्ट यहाँ रख लेता हूँ होम डॉट जे एस, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, परफेक्ट। और वापस आते हैं हम लोग, अब आप चाहो तो हेडर वाले को आप रख सकते हो, जब मैंने दो फाइल का बता दिया तो आप ये भी कर पाओगे। छोटा सा आप टास्क ही समझ लो कि आप कैसे करोगे इसको, ये मुझे बताना। अब इनको क्या करना है, अब आपको अगर चेक करोगे ना तो एरर आ रहा होगा यहाँ पे, इवन ये एरर दिखा नहीं रहा, बट जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे ना तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एरर आना चाहिए। लेट्स वेट, यप ठीक है, बिकॉज लॉगिन वाले कंपोनेंट इसको मिले नहीं ना,
इनको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, होम अगर लिखूंगा तो अपने आप इंपोर्ट हो रहा है, हाँ होम अपने आप इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग इन, सो लॉग इन भी अपने आप इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट। अब ये वाले दोनों कॉम्पोनेंट इंपोर्ट भी हो गए, तो अब ये परफेक्टली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पहले भी यहीं के यहीं थी तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिए तो यहाँ पे परफेक्टली चलने चाहिए। सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। अब ये कह रहा है अच्छा इसको व्यू नहीं मिला, व्यू क्या नहीं मिला इसको, और भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी अभी तो, यहाँ पे आके आपको यहाँ पे रिएक्ट नेटिव को पेस्ट करना है, एंड अगेन यहाँ पे भी पेस्ट करना है, एक्स्ट्रा चीजें निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे व्यू यूज नहीं हो रहा जिसको आप चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट यूज नहीं हो रहा इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। अब क्या नहीं मिला इसको, लेट्स चेक, अभी भी कह रहा है मुझे कुछ मिला नहीं है, आई गेस ये जस्ट वैसे एरर दिखा रहा है, ये रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, लेट्स सी, जब ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया। सो अब मैं आगे वाली स्क्रीन के ऊपर जा पा रहा हूँ, परफेक्टली जा पा रहा हूँ, बैक जा पा रहा हूँ, बैक भी जा पा रहा हूँ, इस पर क्लिक भी कर पा रहा हूँ, उस पर क्लिक भी कर पा रहा हूँ, ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, अलग अलग हम लोगों ने फाइल में कोड भी कर लिया, छोटा सा टास्क है आपके लिए, जैसे हम लोगों ने दो फाइल्स को अलग करा है आप सेम इसी तरीके से हेडर वाली फाइल को भी अलग करो, और यहाँ पे कुछ बटन वगैरह बना के इसके चेंज के ऊपर स्टेट वगैरह में कुछ खुद से कुछ ट्राई करने की कोशिश करो, ताकि आप कुछ नया सीख पाओ, राइट। सो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे हम लोग बटन्स वगैरह कुछ भी पेस्ट करवा सकते हैं, आई मीन्स यूज करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है, थैंक यू गाइस।